लाख लाख शुक्र है कि मतलब हम लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी और फाइनल में पहुंचे हम. Across the line to a straight delivery and the spinners in business again. मैंने शुरू की थी अंडर 19, मैंने खेली बड़े की तरफ से, बड़े डिवीजन की तरफ से लॉन्ग टाइम. और फिर उसके बाद लोकल क्रिकेट मैं ऑब्वियसली मैंने कोटा रेगिशन अपने गांव से शुरू की. क्लब क्रिकेट के बाद जब मैं अंडर 19 की तरफ से फिर उसी साल मैंने आउट किए थे 52 आउट किए थे एक सीजन में था और मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था. तब एक मलेशिया के लिए टीम जा रही थी अंडर 19, तो उसमें 20 लड़कों में मेरा नाम था. सिलेक्शन होते हुए 20 लड़कों में नाम आ गया. हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो कायदे आजम ट्रॉफी जो क्रिकेट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट है. इसमें परफॉर्म करना, इसमें खेलना इतना ईजी नहीं है क्योंकि कंडीशंस थोड़ी मुश्किल होती हैं और आपके अगेंस्ट जो बॉलर्स होते हैं बड़े एक्सपीरियंस, बॉलिंग होती है, बैटिंग होती है, तो परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है. कंपटीशन इतना सख्त है कि आप किसी को जगह दो तो आपकी जगह को घुमाना जाना. तो वो इंजरी थी जो मुझे काफ़ी बैक ले गई. देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और जिस तरह मैं अभी 2-3 साल से पी एस एल नहीं किया था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं हमारा मतलब लेवल पे आ गई थी. उस मैच में मैंने पहले इनिंग्स में 8 आउट की हुई है और दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट. वो 8 आउट मेरे कैरियर को जो है ना, मैं कहूँगा कि वो पर लगा दिए कि वहाँ से मैं जो है ना वो मेरा कैरियर जो एक बुलंदी की तरफ आना शुरू हुआ. जो भी मैं फर्स्ट क्लास या पी एस एल खेला होते हैं मतलब वो जो अंडर 19 के जो पहला मैच था जो मैंने सब एस खेला, मैं यही कहूँगा कि दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट. क्रिकेट मेरा बिग पैशन था और उसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमने क्रिकेट में बड़ी मेहनत की. मेरा ख्याल है कि जिसको पैशन हो ना, जो जुनून की हद तक जिसको शौक हो वो क्रिकेट खेलता है, तो वो फिर ये नहीं लेता कि इसमें मैंने बहुत मेहनत की. वो जो जुनून है ना, वो जो पैशन है, वो मुझे इस सतह पे ले आया कि मैं मतलब मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का वाइड प्लेयर हूँ जो उसने फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ अपना काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है और मेरी मेव नील ऑफिशियल से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा सच्चाई का साथ दें.